सत श्री अकाल, मैं कमलपाल सिंह ते लैके हाजिर हां देश दुनिया दे खबरां ते रुख करदे हां पहली खबर दा। लुधियाणा तो लुट की वड्डी वारदात नूं अंजाम दिता गया ते लुटेरे कैश वैन दे विच करीब 7 करोड़ रुपए भर के फरार हो गए। यह घटना न्यू राजगुरु नगर दे विच रात 1:30 बजे वापरी है ते लुटेरियां दी गिनती जिहड़ी है ओह 8 तों 10 सी। लुटेरियां ने सेंटर दे विच तैनात दोवां सुरक्षा मुलाजमां अते बाकी स्टाफ नूं इक कमरे दे विच बंद करके उहनां दे मोबाइल तोड़ दित्ते अते लुटेरे सीसीटीवी दा DVR नाल लै गए ने। मिली जानकारी के अनुसार लुधियाणा के राजगुरु नगर के ATM च कैश जमा कराने वाली कंपनी की वैन च करोड़ों रुपए की लुट हुई है। जो लुटेरे वारदात को अंजाम देने पहुंचे तो इन्ना कैश चैस्ट में बंद होने की बजाय फर्श से खुला रखा हुआ है। इस लिए पुलिस की लापरवाही और बिली भुगत का पूरा खदशा है और सुरक्षा के पद्धर से कैश सुरक्षा कंपनी की एक वड्डी चूक है। पाकिस्तान तो ड्रोन जरिए तस्करी करके भेजे गए हीरोइन के 5 पैकेट BSF वालों शुक्रवार को जब्त किए गए हैं। तो अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए दसिया है कि सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने रात करीब 1:30 बजे राय पिंड नेड़े ड्रोन देखे और BSF के जवानों ने ड्रोन का पता लगा के तलाशी मुहिम चलाई और खेतों के सुट्टी गई 38 करोड़ रुपए के हीरोइन जब्त करने सफलता हासिल की है। यह घटना अमृतसर के सरहदी पिंड राय की है और लगातार दूजा दिन है जदों पाकिस्तानी समगलर ने पिंड राय के करीब 5 किलो हीरोइन सुट्टी है। तो BSF वालों सांझी की जानकारी अनुसार जवान जात की गश्त पर थे, इस दौरान ड्रोन की आवाज़ सुनाई दी है और BSF के जवानों ने इलाके को सील कर दिया। इलाके में तलाशी मुहिम चलाई गई, खेतों में पीले रंग का एक बड़ा पैकेट मिला जिस में हीरोइन के छोटे पैकेट सन। तोलन तो बाद कुल वजन 5.5 किलो होने का अनुमान लगाया गया तो इसकी अंतरराष्ट्रीय कीमत 38 करोड़ रुपए के करीब है। पंजाब कैबिनेट की मीटिंग मानसा विखे मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगवाई हेठ हुई तो शुक्रवार को पंजाब मंत्री मंडल की बैठक च वड्डे फैसले लए गए ने। इस मौके मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दसिया कि सरकार 14,239 अध्यापकों रैगूलर करेगी तो 10 साल ज इस तो वध सेवा पूरी कर चुके 7902 अध्यापकों रैगूलर करने का फैसला भी किया गया है। इस तो इलावा 6,337 अजिहे अध्यापक जिन्हों की सेवा में कोई घाट है उन्होंने इस सर्विस गैप में भर के पक्का किया जाएगा। CM मान ने कहा है कि 19 और 20 जून विधानसभा का विशेष सैशन बुलाया जाएगा जिस विच सारे फैसले अहम पास किए जाएंगे। जल और सैनिटेशन विभाग की 2021 की सालाना रिपोर्ट को कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है और इस तो अलावा चिट फंड कंपनियों को लेकर कैबिनेट के अहम फैसला लिया गया। इस एक्ट के एक नवी व्यवस्था की गई है कि हुण दोषी पाई जाने वाली कंपनियों के प्रबंधकों को 10 साल की सज़ा होगी। आवारा पशुओं कारण होने वाले हादसों के सरकार देवेगी 5 लाख रुपए का मुआवजा और पहला मुआवजा 1 लाख रुपए से। इस तो इलावा 1832 नर्सों की भर्ती की जाएगी और 400 MBBS डॉक्टर की भर्ती भी नाल की जाएगी। कैनेडियन सरकार वालों देश विचों डिपोर्ट करन दे फैसले का विरोध कर रहे भारतीय विद्यार्थियों को वड्डी राहत मिली है और कैनेडियन सरकार ने लवप्रीत सिंह विरुद्ध शुरू किए देश निकाले की कार्रवाई को अगले नोटिस तक रोक दिता है। कैनेडियन अधिकारियों वालों लवप्रीत सिंह देश तो बाहर कढ़न की प्रक्रिया शुरू करने तो बाद 5 जून टोरंटो के विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए तो इस तो पहला कैनेडियन बार्डर सर्विसिज एजेंसी ने लवप्रीत सिंह 13 जून तक देश छड़न का निर्देश दिता सी। लवप्रीत सिंह उन्हां 700 भारतीय विद्यार्थियों विचों से जिन्हों कैनेडियन अधिकारियों ने जाली दस्तावेज कारण देश के निकाले के नोटिस जारी किए सन। आम आदमी पार्टी के सांसद मैंबर विक्रमजीत सिंह सानी ने कहा है कि कैनेडियन सरकार ने 700 भारतीय विद्यार्थियों के देश निकाले को रोकने का फैसला किया है। सानी विश्व पंजाबी संस्था के अंतरराष्ट्रीय प्रधान भी ने। उन्होंने कहा कि कैनेडा सरकार ने उन्होंने बेनती तो बाद भारतीय हाई कमिशन की मदद नाल यह फैसला लिया। विजिलेंस सबका CM चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ आमदन तो वध जायदाद के मामले में जांच कर रही है और 1 महीना पहला विजिलेंस ने चरणजीत सिंह चन्नी को विजिलेंस दफ्तर में बुला के कई घंटे पूछगिछ की थी। विजिलेंस चन्नी के जवाब तो संतुष्ट नहीं थी। विजिलेंस टीम ने चरणजीत सिंह चन्नी को अपनी जायदाद और बैंक बैलेंस की जानकारी देने वाला प्रोफॉर्मा भरन लिए कहा। इस संबंधी चन्नी को 15 दिन का समा दिता गया पर 1 महीने तो वध समा बीत जाने के बावजूद भी चरणजीत सिंह चन्नी ने विजिलेंस के परफॉर्मा भर के नहीं दिता है जिस करके हुण विजिलेंस ने सबका CM चरणजीत सिंह चन्नी को संभण भेजे और दस दईए कि विजिलेंस ने सबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को 13 जून को विजिलेंस हैडक्वार्टर बुलाया परफॉर्मा भर के लियाने लिए भी कहा। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों लगातार पार्टी के पुराने कादवार आगुआं नूं इकजुट किया जा रहा जिस दे चलदिआं पिछले दिनों दौरान कुछ अकाली आगुआं ने घर विच वापसी की हुण साबका मंत्री सिकंदर सिंह मलूका नूं हलका मौड़ की जिम्मेवारी सौंपी गई है। मलूका नूं हलका मौड़ का इंचार्ज नियुक्त किया गया तो सुखबीर बादल ने इसका ऐलान साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की याद च गुरद्वारा तित्तरसर साहिब मौड़ विखे हलका मौड़ की संगत वालों रखवाए गए श्री अखंड पाठ साहिब के भोग उपरंत किया।
ਤੇ ਮੌਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਠੋਕ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸਨ ਪਰ ਖੁਦ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ IAS ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਟੋਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਟੋਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਜ਼ਲ ਆਟੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਹਰੀਕਾ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਹਰੀਕਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਬੀਟੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 3 ਧੀਆਂ ਅਤੇ 1 ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 200 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਬਾਕੀ 3 ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਦਕਿ ਪਿਤਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਇਹ ਸਨ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।